वाला है यहाँ शिफ्ट हो गए हैं और हम इतना पास रहने के बाद भी हमको वेलकम बैक टू माई चैनल रिद्विक एंड फैमिली। आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आजकल लगातार शादियां हैं तो फाइनली आज भी हम जा रहे हैं रिसेप्शन में। कल जिस शादी में गए थे तो उसी हम रिसेप्शन में जा रहे हैं आज। तो ये लोग रेडी हैं, आज रिद्धि को भी स्वेटर बनाए हैं, ठंडा खांसी जुकाम हो रहा है इनको इसलिए। और अच्छा आई आई फ्लैंक किस कर दो एक तो चलिए चलते हैं। और काशीपुर जा रहे हैं आज, और आज पापा जी ब्लेजर में। हेलो। सो फ्रेंड्स आ गए हैं पार्टी में। सबसे पहले हम लोग ना यहाँ गोलगप्पे में अटैक करते हैं, तो गोलगप्पे खाते हैं, उसके बाद बाकी स्नैक्स लेते हैं। बच्चों को लग गई है भूख और आइसक्रीम क्यों लड़की ऐसी हो रही है। Drifting away, but I know.
फ्रेंड्स, दीपांशु के जनेऊ संस्कार में जब हम आए थे तो ये वाला घर इनकम्प्लीट था, जो अब बनकर पूरी तरह से रेडी हो चुका है, टाइल वाइल सब लगे हैं। ये वाला घर पहले से बना हुआ था, ये वाला घर तो पहले से बना हुआ था, ये नया घर बना है दीदी लोगों का। और ये रहते हैं दीपांशु के मामा लोग और मामा के बेटे, मतलब उनके भाई के आज शादी का रिसेप्शन है, तो ये दोनों अगल बगल है। दीदी का माई का ससुराल बना है, दोनों अगल बगल है, बगल ही है। हाँ, तो दीदी के घर बन गए, दो दो घर बन गए, दीपांशु एक सामने, एक यहाँ पर है और एक सामने, ये भी बन गया। सो फ्रेंड्स, वहाँ से निकल चुके हैं और आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ अपनी सबसे बड़ी जेठानी का घर, हाउस टूर कराने वाली हूँ रात के 10 बजे। एक्चुअली ना हमारा कब से था कि हम आएंगे पर आने का मौका ही नहीं मिल रहा, पर आज दीदी के वजह से ही हमें मौका मिल गया आने का वहाँ। तो अभी पहुँचने वाले हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं उनका घर रात के टाइम पे। दिन में आते तो दिन में सुस्त दिखता ना, लाइटें बहुत लाइट जलती है यहाँ सब बनाते हैं। तो यहाँ पहुँच गए हम, मैंने करवानी। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं सबसे बड़ी जेठानी मेरी उनके घर। तो ये है भैया, बस हम ही है। ओहो, तो आज मौका मिला हमको यहाँ आने का। नजदीक वाले ऐसे रहते, सही बात है। बहुत अच्छा बना रहा है, बड़ा बड़ा है, अच्छा है। आज काम पे लगा दी रात के 10 बजे। सो फ्रेंड्स, ये घर भैया लोगों का नया बना है और लगभग 1 साल होने वाला है यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, और हम इतना पास रहने के बाद भी हमको आज तक मौका ही नहीं मिला कि हम लोग यहाँ आए देखें। तो आपको घर का टूर कराती हूँ। पहले ड्राइंग रूम, अभी अभी शिफ्ट हुए तो ज़्यादा सामान रखा नहीं है, अभी न्यू शिफ्ट हुआ है, मीन्स लगभग 1 साल भी अभी कम्प्लीट हुआ नहीं है, तो अभी सामान कम कम ही रखा है ज़रूरत के अकॉर्डिंग। और आदि देख रहा है टीवी, आदि का रिमोट ले लेना। तो ये है ड्राइंग रूम, भी काफ़ी अच्छा है, बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पे, अच्छा स्पेस है, तो इतने साल बाद लगे। तो ये खिड़कियों का स्पेस बहुत अच्छा है, बड़ा बड़ा एकदम ना, ये बड़ी खिड़की। ये रूम है स्टडी रूम बच्चों के लिए, टेबल भी लगाता है। अच्छा, यहाँ पे भी लाइट है। हाँ, लेट नाइट अगर पढ़ाई करनी है तो फिर यहाँ पे ही पढ़ाई कर लो, अलग से लाइट जाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये भी अच्छा है, मतलब स्पेस काफी अच्छा है। तो ये है सेकंड रूम, और यहाँ कवर बनाया है, एक बेड रखा है, डबल बेड, और ये है कमरा एक, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे सबसे बड़े ताई जी, ताऊ जी और एक दीदी है। एक कमरा ये है, बाकी के रूम भी देखते हैं, मैंने भी नहीं देखे अभी तक। तो ये है किचन, और बहुत बड़ा ओपन किचन बनाया है। चलो, तो ये है मंदिर के लिए अलग से रूम बनाया है, वाओ अच्छा है ये है। एक रूम ये है, यहाँ पे भी लगा रखा डबल बेड, इसमें आ जाता है दो, चार बाई का दीवान और चार बाई सिक्स का दीवान। हाँ, दो डबल बेड आ जाते, चार बाई के। स्पेस के मामले में तो बहुत अच्छा बना रखा है घर है, मतलब बहुत अच्छा स्पेस है। कितना स्क्वायर फीट आपका यहाँ पे, कितना बड़ा है, 2000 स्क्वायर फीट? ये है 1800। हाँ, तो मतलब हाँ, तो मतलब बहुत बड़ा स्पेस ही है। हमारा कमरा, हमारा एक, हमारे 1100 स्क्वायर फीट है शायद, और एक 1800 स्क्वायर फीट। ऊपर जाली है और यहाँ टॉयलेट बाथरूम है, उसके बाद भी देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो 1836 स्क्वायर फीट में बनाया ये वाला घर। ये कुलदीप, इसकी तबीयत खराब थी, अभी ठीक हो गया, और ये बार बार टूट दिखा रहा है, और अभी शर्म के मारे चला गया अंदर। आ गए हैं हम बाहर, ये है पार्किंग एरिया, एक गाड़ी आराम से पार्क हो सकती है, बहुत बड़ा स्पेस है। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर की तरफ देख कर आ जाते हैं कैसा है। यह है मोमटी, मोमटी में बहुत बड़ा स्पेस है, बच्चों के खेलने के लिए कितना अच्छा है यहाँ पे है। तो हम आ गए हैं अब छत में, छत भी बहुत बढ़िया है, मोमटी भी बहुत बढ़िया। मुझे तो मोमटी मैंने कभी नहीं देखी, इतनी बड़ी मोमटी भी होती है करके, लेकिन अच्छा है कि बच्चों को खेलना है तो वहाँ भी खेल सकते हैं। एक कमरा है हाँ, इतना बड़ा, मतलब आराम से खेल सकते हैं। बारिश का मौसम था ना, बच्चे छत में नहीं खेल सकते, तो वहाँ पे खेल सकते हैं आराम से, और खिड़की इतनी अच्छी, तो खिड़की बारिश आती है, जब ऐसी बारिश होती है तो आती है खिड़की, अच्छी से आती होगी। हाँ, तो आती होगी, लेकिन फिर भी अच्छा है। ये प्लांट भी अच्छा लगा रखा है। तो ये है बाहर का एरिया, ड्राइंग रूम का विंडो एरिया है ये, और अच्छा यहाँ पे भी टॉयलेट बाथरूम है, बाहर भी सही है, वॉश बेसिन बाहर, ठीक है, एक बाहर ठीक है ना,
तो ये ड्राइंग रूम के लिए एक डोर ये है और एक मेन एंट्रेंस गेट ये है, दरवाजा ये देखना, ये देखना। चलाओ चलाओ चलाओ, ये चला लेके देखे। और हम लोग भी अब निकलने वाले हैं, 11 बज गया आज यहीं पे। चलो चलते हैं, हम जा रहे गाड़ी में। टीटी मम्मी पापा को बाय कर दो। बाय कर दो। हाय, ठीक है फिर हम जा रहे हैं। बाय 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 बाय। तो जा रहे हैं अब घर को अपने, रात के 11:30 बजे निकल रहे हैं हम अपने। चलो ठीक है, हाँ जी बैठो, ठीक है बाय। ये आगे वाले रास्ता भी निकलना होगा। ये देखो बाय 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 बाय। सो फ्रेंड्स, घर पहुंच चुके हैं और मैं किचन में इनके लिए दूध गर्म कर रही हूँ। इनको दूध चाहिए रात को हमेशा सोने के लिए टाइम पे, तो एक बना दिया है, इसके पापा के लिए बना रही हूँ। मतलब पापा को चाहिए चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, तो किचन में दूध गर्म करके इनको देती हूँ। उसके बाद चेंज भी नहीं करा मैंने, तो चेंज करूंगी। और आदि को, आदि को लग गई भूख, इसने पार्टी में सिर्फ मस्ती करी है, खाना पीना ठीक से खाया नहीं है, है ना, है ना। ये कौन सी दवाई है? ये देखो कपड़े कैसे फैला के रख दिए बेड में, ऐसे हैं इनके हाल बच्चों के। आदि इतना देखो, आदि का बच्चा फोन लेके भाग गया है उस कमरे में, ऐसे है ना ये बच्चे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का दिन हमारा। 12 बजने वाले हैं, बस 10 मिनट बचे हैं और अभी भी मैं साड़ी में ही हूँ, तो चेंज करते हैं और आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह न्यू व्लॉग में। कल है शिवरात्रि, तो कल हमारा फास्ट है, मतलब गायत्री दी भी फास्ट रख रही है मैं, और मैंने इनको भी दिलवा दिया है फास्ट, मतलब ये भी रखेंगे शायद, और ऊपर से रिद्धि भी बोल रही है मुझे भी फास्ट रखना है। तो देखो किसका फास्ट कब तक कायम रहता है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा आपको कल वाला व्लॉग। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं न्यू व्लॉग में, बाय।